हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली BHU एडमिशन अपडेट आ चुकी है। क्या सारा सीन है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। ओके, सो इसके रिगार्डिंग ना हमारे CUET के एडमिशन मिशन गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। बिकॉज लॉट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट लाइक नो डिटेल्स अबाउट द CUET की भैया कैसे डोमेन चूज करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। सारी की सारी अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। एक CUET UGC से रिलेटेड एक जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यार क्या अपडेट आया है रिगार्डिंग द एडमिशन, ये चलिए देख लेते हैं क्या सारा प्रोसेस है। तो यार ये जो है देख सकते हो CUET की वेबसाइट है, यहाँ पे मैं जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया गया। अब जस्ट हम इसका जस्ट एडमिशन से रिलेटेड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन का पोर्टल जो दिया गया, जैसे आप एडमिशन के पोर्टल पे क्लिक करते हो तो अभी तो जो है साइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, इसके कारण जो है लॉगिन नहीं कर पा रहा। मेरे पास जो है 100 Mbps का इंटरनेट केबल लगा हुआ है, फिर भी देख सकते हो ये ओपन नहीं हो पा रहा है। ओके, स्टूडेंट आपको क्या करना है यार, एक पोर्टल दिया गया है BHUonline.in, तो आप जैसे इसके ऊपर विजिट करते हो तो इस प्रकार से जो आपको पोर्टल देखने को मिलता है, ये इस प्रकार से जो आपका पोर्टल दिख रहा है BHUonline का, तो आपको यार आपको कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट के लिए लिस्ट ऑफ कोर्सेस इन दिस यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन एंड बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, आपको ऊपर जाना है। यहाँ पे देख सकते हो CUET UG काउंसलिंग पोर्टल यहाँ पे दिया गया है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो काउंसलिंग पोर्टल पे आपको ये ले जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है कि भैया कैसे डोमेन सेलेक्ट करना है क्या नहीं करना, तो वो जो हमारा CUET गाइडेंस प्लान में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट अपलोड प्रेफरेंस एंट्री फॉर काउंसलिंग 2021 विल बी क्लोज ऑन काउंसलिंग डेट। ओके, तो अब मैनी कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यार ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये कॉलेज वालों के लिए है सिर्फ, ठीक है। ओके, तो अब हम जाएंगे जैसे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को जो है ये इंटीग्रेटेड कोर्स में एनरोल करना है, तो इसके लिए मैं इस पे जाऊँगा। यार हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है, ठीक है। जैसे आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, हमारी जो टीम है आपको फुल गाइड करती है कि भैया कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या सारा सीन है, टोटली सब कुछ कि आपको एडमिशन कैसे मिल जाएगा BHU के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे कम प्राइजेज के अंदर जो हम आपका फॉर्म फिलिंग करवा रहे हैं, सबसे बेस्ट काउंसलिंग जो हम आपको दे रहे हैं, तो जो है आप ज़रूर से एनरोल कर सकते हो स्पेशली फॉर दिस काउंसलिंग प्रोसेस इन BHU। तो यार न्यू जस्ट लाइक मेक रजिस्ट्रेशन, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा यार शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भैया इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है और कब तक जो हमारा एडमिशन चलने वाला है, राइट। तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हो शेड्यूल ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी ये पता नहीं इतना बड़ा कॉलेज है। तो यार अभी तो आई थिंक पोर्टल का इश्यू चल रहा है, सर्वर का इश्यू चल रहा है। जिन भी स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है कि भैया कैसे फॉर्म फिल करना है, कि कौन कौन सा डोमेन डालना पड़ेगा, कब इसका प्रोसेस होता है, कितनी फ़ीस लगती है, क्या सारा सीन है, टोटली सब कुछ यार हमारा जो है लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, आपका फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कराया जाता है। जिन भी लोगों को स्टूडेंट को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है CUET काउंसलिंग की, वो हमारे CUET काउंसलिंग एडमिशन जो भी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हो सकते हैं, जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी एकदम लोएस्ट प्राइजेस के अंदर जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और भी कोई क्वारी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।